वीर का क्या हुआ? किसका बेल्ट हो सकता है? वीर की टी शर्ट है ये तो। वीर कोई तो भी जानवर है, कोई तो भी। चलो चलो जल्दी चलो, 6000 वाले काम हो रहे हैं। तो गाइस अभी यहाँ पर हो गया, टंकी को खाली करता हूँ मैं पहले। जय श्री राम मेरे सभी यारों को। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग बनाने का कारण यह है कि आज मैं ना एक नई जगह घूमने जा रहा हूँ, अपने गांव से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पे, और बहुत घना जंगल है। और अभी सुनने में आया है कि वहां पर टाइगर भी आया है, फिर मैंने सोचा क्यों ना एक जंगल का टूर कर आए। तो अपने साथ अपना पार्टनर भी है वीर भाई, तो हम दोनों लोग अभी चलेंगे। जंगल बहुत ही डरावना है और बहुत भयंकर भी है। अगर अपनी किस्मत बहुत अच्छी होगी तो अपने को टाइगर भी दिख सकता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। तो जल्दी जल्दी अपन तैयार तो हो गए, अभी बस अपनी सस्ती सी स्पोर्ट बाइक निकाल दे और निकल दे फिर यहाँ से जल्दी से जल्दी। तो ये अबे यार कीड़ा घुस रहा है यार, अरे फिर से यार, लग रहा है ना सही, हैंडसम लग रहा है ना मैं? हाँ लग रहा है। और ये तो बहुत जरूरी भाई, धूप भी बहुत है। और यहाँ पर ये दो दो शिकारी कुत्ते अभी हमला तो नहीं करेंगे, ये हमला मत करना रे भाई लोग। तो हम लोग अभी कैसे ना दीदी के घर आ गए, अभी यहाँ से हम लोग चलेंगे जंगल में। जैसे मैं आपको जो बताया था डरावने जंगल के बारे में, क्या बोलते हैं इस पूरे जंगल के बारे में मुझे तो नहीं पता। अपने दीदी के दो लड़के हैं, जैसे एक बिट्टू भाई और चीकू भाई, तो ये अपने को पूरा जंगल घुमाएंगे। तो हम लोग तैयार तो हो गए, अभी चले फिर। तो लेट्स गो। एकदम देख सकते हैं पूरा घना जंगल, और गाड़ी जाने के लिए भी रास्ता नहीं, तो गाड़ी कुदाते हुए जाना पड़ रहा है अपने को यहाँ। आराम से चलने दो भाई। और हम लोग अभी एकदम घने जंगल के अंदर आ गए। कल ही एक टाइगर यहाँ पर, मतलब जो गैया चराने वाले होते हैं ना, और वहाँ से एक गाय को भी खा लिया एक टाइगर ने। थोड़ा सा अभी विश्राम, मतलब टंकी को खाली करता हूँ मैं पहले, उसके बाद में हम पूरा जंगल घूमेंगे। अभी हमको यहाँ पर कोई तो भी एक जानवर दिखा है, पता करते उसका कौन सा जानवर। थोड़ा मैं टंकी खाली करके आता हूँ। हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, और ये है एकदम घना जंगल, और हम लोग अभी घने जंगल के बीच में है। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इधर पूरा तालाब है, और यहाँ पे तालाब में मतलब जानवर भी आते पानी पीने। तो हम थोड़ा सा अभी तालाब के पास जाते, सबसे पहले चलते अपन धीरे धीरे, लेकिन भाई बच के रहना थोड़ा सा। देखो कोई भी जानवर कभी भी दिख सकता है, थोड़ा सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। चिड़ियाओं की आवाज, ये देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको घर भी दिखेगा पेड़ के ऊपर बना हुआ एकदम नेचुरल तरीके से। ये जो है ना इसको बोलते हैं एसी, नेचुरल एसी है ये, धूप से हमको बचावट मिलती है। मुझे बोलो थोड़ा देसी है, लेकिन है बहुत बढ़िया। वैसे हम लोग है देसी वाला, तो चलता ही है ना। तो वीर भाई कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और भाई अच्छे से साथ में रहना है। तो गाइस अभी यहाँ पर हो गया, अभी हम घर से नीचे जाएंगे। ये थोड़ा सा घूंघट में नीचे कर लेता हूँ अपना, तो लफड़ा हो जाएगा। और इस घने जंगल में ये चीज देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अंधेरों में वो 6000 वाले काम हो रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि इसको देख के तो मैं यही बोल सकता हूँ। और ये है नाग नागिन का घर। यहाँ पर बताया जाता है कि इस जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन है। यहाँ पर तो हम लोगों ने घूम लिया, थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पे भी और एक मतलब बहुत घना जंगल है बोलते हैं, वहाँ का नजारा देखते हैं। बस सभी लोग साथ में रहना, गाड़ी हम एक जगह रख देते हैं और हम लोग यहाँ से भी पैदल जाएंगे। यहाँ से पैदल बोले तो 1 किलोमीटर अपने को पैदल जाना है। वहाँ पे देखते हैं, अगर से किस्मत अच्छी हो शेर दिख जाए, किस्मत बुरी हो तो कुछ भी नहीं दिखे। हम लोग अभी आगे एकदम घने जंगल में, अभी हम यहाँ से अंदर इंटर करने वाले है। तो घने जंगल में जाने से पहले जिसने हमको जंगल में लाया है उसको हम सबसे पहले आगे रखेंगे, ठीक है? हम लोग अभी आगे एकदम, चलो भाई लोग साथ में चलते, सभी लोग साथ में रहो। तो आप भी रहते हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे चकवा है बोलते हैं, थोड़ी सी भी गलती हो गई है इधर उधर हम लोग भटक गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं यहाँ पे अपने आइटम का सॉरी किसे बाय मिस्टेक हो गया मुझसे, गलती से निकल गया मेरे मुंह से। तो चलो फिर आगे आगे चलते जल्दी जल्दी।
एक सेकंड शांत हो जाए, एकदम शांत। वो सामने से कोई तो भी गया वहाँ पे, सामने से देखा मेरे को, कोई तो भी जानवर है। एक सेकंड मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, सामने से कोई तो भी गया। एक सेकंड मैं जूम करता हूँ, जो आगे दिख रहा है ना वो आगे एकदम झाड़ी दिख रही, वहां से कोई तो भी जानवर गया। जानवर तो गया लेकिन कौन सा जानवर था वो दिखा नहीं, तो जाने तो अपन थोड़ा सा अपन सतर्क हो जाते हैं। सभी लोग हाथ में अपने पत्थर या लकड़ी वकड़ी ले लो, मैं भी अपने हाथ में लकड़ी ले लेता हूँ। अरे हमारा एक पार्टनर कहाँ गया, वीर कहाँ गया? वीर था ना अपने साथ? वीर तुम्हारे साथ था ना? किसके साथ था? अरे तुम्हारे साथ था ना वीर? पता नहीं, मेरे पीछे पीछे चल रहा था, गायब हो गया। तो अभी दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीर नहीं मिल रहा। क्योंकि हम लोग अभी जंगल से अपन देखा है तो कम से कम 1 किलोमीटर अंदर आ गए हम लोग रास्ते से, मेन रास्ते से। निशान देखो, निशान कहाँ? ये एक निशान रहा। वीर, वीर। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तीनों लोग अभी साथ में रहते हैं, ठीक है? हाँ। तीनों लोग को अलग नहीं होना, क्योंकि तीनों लोग अलग हो जाएंगे तो लफड़ा हो जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ से चलते हैं। एक सेकंड वो क्या दिख रहा है सामने? एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ क्या है। वो कपड़ा दिख रहा है, कोई तो भी यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो देखो आप देख सकते हो कोई कपड़ा है। अरे वहाँ से कोई तो भी, चलो चलो जल्दी चलो, फास्ट। ये तो वीर की टी शर्ट है, वीर की टी शर्ट है ये तो। निशानी छोड़ा या कोई लेके गया? क्योंकि यहाँ पे चकवा के बारे में बहुत सुना है हमने, ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टी शर्ट मिली है लेकिन वो नहीं मिल रहा, क्या हो सकता है इधर आजू बाजू में कहीं हो? क्या करे क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। टी शर्ट मिली है लेकिन वो नहीं मिला, इससे पहले कभी हुआ है कि कोई किसी के साथ कभी ऐसा? तो हम थोड़ा वही रास्ते से अंदर चलते हैं, क्या हुआ क्या नहीं, थोड़ा सा अपन जंगल के अंदर या कुछ भी हो देखते, जो भी होगा घने जंगल में जाते। एक सेकंड आगे में कुछ भी लटका है ब्लैक कलर का। एक सेकंड क्या है, मैं देख लेता हूँ। अरे ये तो किसी का बेल्ट है, किसका बेल्ट हो सकता है? अभी गाइस अपने को ऐसा नहीं बेल्ट मिला, बेल्ट किसका है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वीर के पास ये बेल्ट देखा। आपको क्या लगता है मतलब किसका बेल्ट हो सकता है? देखो थोड़ा सा तुम्हारे नजर में वीर का, वीर ने ऐसा पहना था? वीर का ही है क्या? अरे यार मतलब कुछ ना कुछ, मतलब अभी एक चीज समझ में आ रही है तुम लोगों को, मतलब कुछ ना कुछ निशान छोड़ के जा रहा है। तो अभी हम कैसा करें, मुझे कुछ समझ में, मतलब टी शर्ट मिली पहले फिर बेल्ट मिला, अभी क्या करें मुझे कुछ समझ, तुम बताओ। अभी अपने को चलना है पूरे घने जंगल के अंदर, ठीक है? मैं थक गया हूं, मैं अभी बैठना चाहता हूं, मैं नहीं चल सकता। अरे यार कैसा होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मतलब ये भी थक गया यार, मैं अकेला क्या कर लूंगा और इसके साथ मिलके, क्योंकि घना जंगल है, अकेला जाना भी मतलब सेफ नहीं। अभी मतलब कितने टाइम कितना हुआ? मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो गाइस मुझे थोड़ा सा आप लोग यार हेल्प करो, मुझे थोड़ा बताओ, कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं क्या नहीं, वीर कहां हो सकता है कहां नहीं हो सकता, आपके हिसाब से क्या लगता है, मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि इस घने जंगल में वीर कहां जा सकता है? वीर का क्या हुआ, वीर को कौन लेके गया इस घने जंगल में, वीर बचा भी होगा या नहीं बचा होगा, आप कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। और आप वीर के बारे में पता करना चाहते हो या वीर का सच्ची में क्या हुआ, वीर इस दुनिया में है भी या नहीं, तो अगले पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि वीर का सच्ची में क्या हुआ, वीर इस दुनिया में है भी या नहीं। और मैं भी बहुत बेकरार हूँ अगले पार्ट के लिए, अगले पार्ट में आपको पता चलने वाला इस घने जंगल में, इस बड़े जंगल में, इस खूंखार जंगल में वीर का क्या हुआ। क्योंकि वीर का हमको टी शर्ट मिला, वीर का हमको बेल्ट मिला, लेकिन वीर नहीं मिला। तो दोस्तों अगले पार्ट का इंतजार करें, आपको क्या लगता है वीर मिलेगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं, और अगले पार्ट का इंतजार करें।